हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि तंदूर में मक्की की रोटी कैसे बनती है। ये तंदूर में आग लग चुकी है, लकड़ियां डाल के तंदूर को गर्म कर रहे हैं। और साथ ही साथ सनसेट भी हो रहा है, आग अच्छे तरीके से जल रही है। और साथ साथ हम सब्ज़ी भी बना रहे हैं, सब्ज़ी की तैयारियां भी चल रही है और तंदूर भी गर्म हो रहा है। तंदूर में भी अब लकड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और चूल्हे में भी लकड़ियां लगा के सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है। ये देखिए अब सब्ज़ी, ये किस चीज़ की सब्ज़ी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन लग रहा है टेस्टी होगी। देख सकते हो आप, रोटियां भी पक के रेडी हो चुकी हैं। वो मैंने उसका प्रोसेस नहीं दिखाया आपको। अब इसको तंदूर में डालेंगे। ये तंदूर में डालने का तरीका, तंदूर गर्म हो चुका है और रोटियां इस तंदूर में डाल रहे हैं एक एक करके। 7-8 रोटियां किट्ठी डालते हैं। तो देख सकते हैं कैसे ये डालते हैं। रोटियां कुछ 2-3 मिनट के बाद पक जाती हैं। यहाँ पर सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। लगभग ये चूल्हा है, इसमें सब्ज़ी बना रहे हैं। दिखने में सब्ज़ी औसम दिख रही है और सनसेट हो रहा है तो सर्दी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। आग सेकते हैं। और यहाँ पे रोटियां पक चुकी हैं, आधी रोटियां कुछ पक रही हैं तंदूर में। 2-3 मिनट के बाद ये पक जाएंगी सारी रोटियां। ये देखिए ये रोटियां पक चुकी हैं। अब यह है प्रोसेस, मक्खन मिर्ची की चटनी ये रोटियों पे लगा रहे हैं और ये रोटियों पे लग चुकी है। और इसके साथ ये डाली हमने इस पर सब्ज़ी, आया हाय क्या टेस्ट आएगा। और साथ में लस्सी, मक्की की रोटी, देसी सब्ज़ी, कैसी लगी है?